तो गाइज अभी कुछ समय पहले ही रेडमी 13 5G इंडिया में लॉन्च हुआ है और गाइज इसके बैक केसेस यानी कि ऑफकोर्स आप सब लोगों जो परचेस करने ही रहते हैं इसके अंदर फ्री में तो कंपनी देती है जो कि ट्रांसपेरेंट केस आता है वो आज मैं आपको रिव्यू करके बताऊंगा कि फ़ोन के ऊपर लगाने के बाद वो किस तरीके से दिखता है यानी कि पूरा फ़ोन का लुक कैसा दिखता है। बट आप ओरिजिनल केस परचेस करना चाहते हो यानी कि अच्छी क्वालिटी वाले तो मैंने अमेजोन की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, ड्रॉप प्रोटेक्शन वाले केस भी है वहीं पर, तो एक बार ज़रूर से चेकआउट कीजिएगा। और आज हम देखते हैं इसका ट्रांसपेरेंट बैक केस कैसा है, फिटिंग वगैरह कैसा आता है। तो प्लीज वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखे रहे और अब हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियो में आप तक पहुंचाते रहे। हेलो वेलकम दोस्तों, मैं हूं किशोर, आप देख रहे हो राधा बीट। तो आइए चलिए देखते हैं। तो दोस्तों ये हमारे पास Redmi 13 5G और गाइस जब भी आप ब्रांड न्यू फ़ोन परचेस करते हो तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो बैक स्क्रीन गार्ड लगा देना चाहिए या तो केस यूज़ करना चाहिए जो कि इस फ़ोन के साथ आपको फ्री में केस कंपनी देती ही भी है। बट कुछ समय यूज़ करने के बाद होता क्या है कि ऐसा वो केस जो ट्रांसपेरेंट ऐसा पीला पड़ जाता है, तो उस केसेस में हमें जो नया बैक केस परचेस करना रहता है तो आपको अच्छी क्वालिटी वाले केस चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए अमेजोन पर अवेलेबल, एक बार जरूर से चेकआउट कीजिएगा। वैसे ये हमारे पास ट्रांसपेरेंट बैक केस है, ऐसा सेम केस चाहिए तो भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, वो भी जरूर से चेकआउट कीजिएगा। बट ये जो केस है वो जो मोबाइल के साथ फ्री में कंपनी देती है वो ही है, तो मैं इसके ऊपर लगा के दिखाऊंगा कि ये केस लगाने के बाद फोन का लुक कैसा होता है एंड जो पोर्ट्स एंड बटन है वो किस तरीके से वर्क करते हैं। तो गाइस जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपको केस जो लगाना होता है बेसिक है जो कि सबको पता ही होगा। तो गाइस जैसे आप केस लगा देते हो तो होता क्या है कि फ़ोन भारी सा लगता है यानी कि बल्कि फील होता है और यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही डिस्प्ले के ऊपर की तरफ भी ये जो बॉर्डर आ जाती है, एटलीस्ट आपका फ़ोन ऐसे गिर भी जाता है सीधा तो भी डिस्प्ले पे टच नहीं होगा, यानी कि ऐसा प्लान है तो अदरवाइज तो नुकसान हो ही सकता है। और यहाँ पे स्क्रीन प्रोटेक्शन भी आता है तो आपको फ़िलहाल टेम्पर्ड ग्लास लगाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे आप देख सकते हो बैक केस लगाने के बाद फ़ोन का लुक जो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाता है और पोर्ट्स एंड बटन्स भी आप देखते हो तो यहाँ पे परफेक्टली फ़िलहाल वर्क कर रहे हैं। बट फ़ोन बहुत ही मोटा लग रहा है जैसे कि केस लगाने के बाद, अदरवाइज़ ठीक ठाक था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का यहाँ पे आपको बैक केस देखने को मिल जाता है जो कि फ़ोन के अंदर आता है वो। तो गाइज़ और इंटरेस्टिंग कवर्स आपको चाहिए तो ज़रूर से चेकआउट कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे लिंक मेंशन कर दिए हैं। तो आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपका कोई भी सुझाव हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो क्योंकि मैं रोजाना ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच, बाय बाय फ्रेंड्स।